हेलो दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन ह्यूंडई वरना इंडिया में जल्द लॉन्च होने वाली है, जहां पे फ्रंट में आपको ह्यूंडई का न्यू सेंसर स्पोर्टिनेस ग्रिल देखने को मिल जाएगा और साथ में आपको यहां पे एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको दोस्तों नए डिज़ाइन के फॉग लैम्प्स हाउसिंग देखने को मिल जाएगी और नया बम्पर नीचे में देखने को मिलेगा जो कि इसके फ्रंट लुक को काफ़ी स्पोर्टी बना देता है। बाकी डायमेंशंस भी पहले से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें इसके पीछे के लुक की, तो पीछे का भी लुक काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे यहाँ पे आपको इलोंगेटेड एलईडी टेल लाइट और नीचे में आपको नया बम्पर देखने को मिलता है जो कि इसको पीछे से काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। साइड में आपको नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स और शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाते हैं। इंटीरियर की तरफ बढ़ें तो आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलती है। साथ में आपको ह्यूंडई का नया स्टेयरिंग व्हील नए डिज़ाइन के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पहली बार अब पैनोरामिक सनरूफ क्रेटा वाली देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी बेहतरीन और प्लस पॉइंट होने वाली है, जो कि इसके सेल्स को काफ़ी बूस्ट कर देगी। जो नया इंफोटेनमेंट है वो आपको 10 इंच का देखने को मिल जाएगा, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी होगी। साथ में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नॉब्स देखने को मिलेंगे। साथ में आपको नया MID डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ पर जो सीट्स है वो काफ़ी कम्फर्टेबल देखने को मिलेंगे और डायमेंशन ज़्यादा होने के कारण आपको यहाँ पे ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें बूट स्पेस, 500 लीटर बूट स्पेस देखने को मिलेगा और इसके डायमेंशन सबसे बड़े अपने सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस आपको 10 लाख से लेकर 17 लाख तक देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें लॉन्च डेट की, तो 2022 में गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।